सुमूल पहले तो 18 आपका का सफर काफी अमेजिंग रहा है आपका, उसके लिए पहले तो बहुत-बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से आपके ये 18 हफ्ते बीते। मेरी 18 हफ्ते बहुत मुश्किल दौर से भी गुजरी हूँ मैं इन हफ्तों में, और उसके साथ साथ बहुत खुशी के पल भी बताए हैं। दोस्ती की है, सच्ची दोस्ती निभाई है, कुछ जगह गलत हुई हूँ, गलती हुई है, गलती सुधारी है, तो एक तरह से वो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, एक लाइफ लेसन मिला है। जितनी भी गलत चीज़ें हुई सब घर के अंदर वापस वहीं पे छोड़ के आई हूँ, और जितनी भी अच्छी अच्छी सीख मिली है वो सब दिल के अंदर रख के घर से बाहर आई हूँ, तो बस उस चीज़ की खुशी और कुछ नहीं। रिसेंटली अभी हमने देखा कि ऋषभ ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि उनको जो है वो अगर यहाँ तक पहुँची है वो सिर्फ साजिद जी की वजह से पहुँची है, वरना वो मंडी में तो कभी वो रखना नहीं चाहते थे, उसकी ब्रांड ही हमेशा निमृत रही और स्टैंड रहा है, बट वो साजिद के दया की वजह से यहाँ तक आई है और हम लोगों को रखना पड़ा। क्या बोलना चाहेंगे आप? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दोस्त क्या मैं तो भाई मानती हूँ, मेरा भाई है, और उसने ऐसी अगर कोई चीज़ बोली है, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, शायद कोई चीज़ उसको मेरी कही हुई या मेरा कोई एक्शन उसको हर्ट किया होगा, सो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद उसने ऐसा कुछ बोला, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें शिव मीन करेगा जेन्युइनली, बिकॉज मैंने इसके साथ मैं रही हूँ इतने वक्त तक, उसने मुझे जितना प्यार दिया है, तो वो मैं ये नहीं बोल सकती कि वो नहीं चाहते थे या जो भी है, चलो ठीक है स्टार्टिंग में नहीं चाहते होंगे, लेकिन अभी जो मैं उनसे जुड़ी थी मैं वो फील कर सकती थी कि इन लोग को भी मुझसे दिल से मोहब्बत है जितनी मुझे है, तो आई थिंक बाहर आने के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ पे कोई गेम नहीं होगा। आई थिंक कि मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि ऑफकोर्स लेकिन एक पेरेंट को अगर वो अपने बच्चे के साथ कुछ गलत होता हुआ देखेंगे तो कोई भी पेरेंट हो, चाहे मेरे पापा ही क्यों ना हो, वो बच्चों के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उनके बच्चे हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, जो हर एक पेरेंट करेगा अपने बच्चे के लिए, जो मैं मानती हूँ, तो आई थिंक कि हाँ वो मुझे आए थे समझाने के लिए, पहली बार मैं समझ नहीं आई, दूसरी बार समझाए, तो वो मेरी गलती थी जो मैं पहली बार समझ नहीं पाई, पर दूसरी बार मैंने गलती नहीं की, मैंने गलती सुधार ली, तो सही था सब। फिर अगर आपके फादर की बात हो रही है, जब वो आगे बिग बॉस खत्म होने के बाद शादी